स्त्री 2 अपने यूनिवर्स की पहली ऐसी मूवी है जिसने 1000 करोड़ लगभग करीब करीब पार करने में आई है। वैसे मैं बता दूं, स्त्री 2 वर्सेस भूलभुलैया आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जहां सरकटे इंसान का आतंक स्त्री 2 में पुरुषों को उठा कर लेकर जाता है, वहीं भूलभुलैया 3 में एक से डबल मोंजिलिको को दिखाया गया है। मतलब साफ है यहाँ पर, मतलब पूरी तरह से क्लियर विजन मैं बता रहा हूँ कि डर का डोज डबल होने वाला है। और स्त्री 2 में एक ऐसा भी सीन दिखाया जाता है जहां 0 मिनट में औरतें कैसे डायन का रूप पकड़ लेती है। ये मजाक की बात नहीं है, स्त्री 2 में एक छोटा सा सीन दिखाया गया है। और हाँ, यही दूसरी तरफ अगर मैं भूलभुलैया के बारे में बात करूँ तो वहां पर दो दो मंजुलिका के दिखाकर ऑडियंस को कन्फ्यूज किया जा रहा है। बट यहां पर अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ कि आखिर में असली मंजुलिका कौन है, यानी कि डायन। यहां पर भी डायन ही आती है। देखो, स्त्री के पहले पार्ट में श्रद्धा कपूर को एकदम क्लियर विजन में दिखाया जाता है कि यही स्त्री है, और स्त्री 2 में सरकटे का आतंक दिखाया जाता है। लेकिन भूलभुलैया के पहले और दूसरे पार्ट में सिर्फ एक ही मंजुलिका का खौफ दिखाया जाता है। बट इस पार्ट में क्या माधुरी दीक्षित एज अ मंजुलिका, इनका खौफ इस मूवी में ज़्यादा दिखाई देगा? और वहीं स्त्री 2 में सरकटे के आतंक से बचने के लिए स्त्री को बुलाया जाता है, यानी श्रद्धा कपूर को बुलाया जाता है। बट उसके विपरीत अगर भूलभुलैया 3 में मंजुलिका के आतंक से बचने के लिए कार्तिक आर्यन यानी कि रूह बाबा को बुलाया जाता है। अब ये बात तो साफ है कि भूलभुलैया 3 में लोगों को कॉमेडी के डोज के साथ साथ उनकी डबल फटेगी भी। स्त्री 2 ने दर्शकों को हंसाया और उसमें कामयाब भी हो चुकी है। लेकिन क्या भूलभुलैया 3 दर्शकों को हंसा पाएगी, और क्या दर्शकों के दिले में दहशत पैदा कर पाएगी? वैसे ट्रेलर देख के तो ऐसा पता चलता है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से डबल डबल मंजुलिका को दिखाया गया है, मतलब डबल डोज दिखाया गया है दहशत का, उस तरह से अगर मूवी को देखा जाए मेरे एंगल से तो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब ये तो पता चलेगा 1 नवंबर को। वैसे अगर आपको वीडियो सही लगा तो एक कमेंट जरूर करें, और हाँ, एम रखता हूँ 20 लाइक का इस बार भी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में।